बॉलर ने जो है वो एक स्पीड से एक एनर्जी के साथ बॉल फेंकी, अब बॉल मूव करी उसकी एनर्जी अपनी, पर जैसे ही बैट्समैन ने डबल फोर्स के साथ हिट किया वो और तेजी से जाते हैं और छक्के को पार करके जाती है कि नहीं। तो क्या हुआ हमारे पास में कि जब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, एक फोर्स दे रहे हो, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो पार्टिकल एक तो अपने आप ही मूव कर रहा था, मतलब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, है कि नहीं। उसके पास मान लो काइनेटिक एनर्जी, आपके पास में के काइनेटिक एनर्जी, के वन काइनेटिक एनर्जी थी। अब भाई मैंने पार्टिकल को हीट कर दिया, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट कर दिया, तो भाई मैंने के टू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, है कि नहीं। तो अब मेरे पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी हो गई, के वन प्लस के टू, और ये के वन प्लस के टू ऑब्वियसली के वन से तो बड़ा ही होगा। के वन अगर मान लो वन है और मैंने उसमें पॉइंट वन भी जोड़ दिया तो 1.11 से बड़ा ही होगा हमारे पास में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, अभी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो गई तो उसका मोशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की अगर मैंने बढ़ा दी तो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब खाना गर्म होता है तो उसकी महक दूर तक जाती है, क्यों, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो गया तो वो दूर तक जाएगा, है कि नहीं। मोशन इंक्रीज हो गया, एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा हमारे पास में। सेम फॉर अगरबत्ती, जब मैंने जला दी इंसेंस स्टिक तो इंसेंस स्टिक जल गई तो अब वो बर्न कर रहा है हमारे पास में, है कि नहीं। अब वो मेरे पास में क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, तो वो बर्न कर रहा है हमारे पास में, तो क्या होगा, बर्न करने से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी और उसकी स्मेल दूर दूर तक जाएगी। वैसे तो बारिश जब होती है उसके बाद स्मेल आती है अभी, दैट इज डिफरेंट, कि वो तो एक हमारे पास मिट्टी और पानी का जब रिएक्शन हो रहा है तो वो आपस में आ रहे हैं, वो चीज आपके पास में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, दस हॉट कुक्ड फूड कैन बी स्मेल्ड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम अ लॉन्गर डिस्टेंस इजी। Easily. समझ में आई बात, पक्का ही, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर की, कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं आपके पास में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, साथ ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास में क्या होता है, आपके पास में स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास में। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर मूविंग कंटीन्यूअसली। पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास में, दे आर मूविंग कंटीन्यूअसली, ये कंटीन्यूअसली मूव करते हैं। एंड थर्ड, On heating, kinetic energy of particle increases. वो बढ़ जाती है हमारे पास में, जिस कारण से आप उसको लंबे distance तक smell कर सकते हो। Particles जो है वो क्या कहते हैं, energy gain कर लेते हैं आपके पास में, ठीक है। इसके साथ ही heating के साथ intermixing भी आसान हो जाता है। जैसे देखो, अभी मैं नमक को घोला, मैंने मुझे उसको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए घुमाना पड़ा। अगर वही मैंने गर्म पानी में घोला तो 5 सेकेंड में घुल जाएगा वो, है कि नहीं। क्यों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है हीटिंग के साथ में, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स नोन एज, व्हाट इज दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स नोन एज, डस्ट टू मैन, अच्छा ये रहा, कुछ नोट करना है और शुड आई रख रख कर दूं, ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स किया हमने, क्या किया हमने, वाटर में मिक्स किया, एक सॉल्यूशन मिला जिसमें कि मैं वाटर और सॉल्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हूँ,
एक सॉल्यूशन मिला जिसमें कि मैं वाटर और सॉल्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हूँ, मतलब उसको अलग अलग नहीं कर सकती हूँ। ऐसे मैंने हल्दी पाउडर को वाटर में किया, भाई सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, पर मैं ना हल्दी के पार्टिकल्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। हाँ थोड़ी देर के बाद वो बैठ जाएंगे, पर बैठने के बाद मैंने अगर फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद में जो हल्दी का येलो कलर आ रहा है मैं उसको अलग अलग बता सकती हूँ, यहाँ पे हल्दी पार्टिकल है, यहाँ वाटर पार्टिकल है, मैं नहीं बता सकती हूँ, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पार्टिकल उसमें मिक्स हो गया, पार्टिकल उसमें मिक्स हो गया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को कहते हैं हम डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। Diffusion, intermixing of particles is known as diffusion. Again, diffusion maximum किसमें होगा? Maximum diffusion किसमें होगा? बहुत अच्छे गैस में। Particles की mixing सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में। intermixing of particles में गैस में सबसे ज्यादा diffusion है, उससे कम liquid में, उससे कम solid में। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों? टेम्परेचर को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा आपके पास में। समझ में आ गई बात? पक्का? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। अच्छा एक दूसरी चीज करते हैं, फोर्थ चीज। भाई डिफ्यूजन हो रहा है आपके पास में, हमें पता है पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, हमें पता है। तो क्या पार्टिकल जो है वो एक को छोड़ के कहीं और भाग जाएगा? नमक का जो पार्टिकल है वो उससे थोड़ा सा दूर जा सकता है, पर ऐसा थोड़ी ना कैप छोड़ के चला ही जाएगा, नहीं जाएगा ना हमारे पास में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। क्या रहता है? अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अगेन ये अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम किस में होगा? बेटा अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे। तो फिर सॉलिड, अगर मान लो तुम्हें अपने साथी का हाथ पकड़ना है, आई सेड होल्ड योर हैंड्स, आप उसका हाथ बहुत आसानी से पकड़ सकते हो आपके पास में, पर अगर आपको निधि का हाथ पकड़ना पड़ेगा तो क्या होगा? एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहां ज्यादा होगा? जहां क्लोजनेस है, जहां क्लोजनेस है। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा होगा? सॉलिड में। सॉलिड में, तभी तो सॉलिड किसी दूसरे को बीच में आने नहीं देता। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, वो दोनों लव बर्ड्स हैं, कहते हम तो किसी तीसरे को आने नहीं देंगे, कबाब में हड्डी नॉट इंक्लूडेड। आ रही बात समझ में? तो अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस पे, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस पे। जहां स्पेस कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, स्पेस कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मिनिमम इन लिक्विड, सबसे कम होता है आपके पास में ये गैस। समझ में आई बात? पक्के तरीके से एकदम बढ़िया वाला बैठ गया ना दिमाग में? इस पे कंसेप्चुअल्स कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ के आना। कंसेप्चुअल्स इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, कंसेप्चुअल्स बनेंगे सोच के जवाब देने वाले। वो एक होती है ना ब्लिंक वाली रेड लाइट, रुको चलो रुको चलो, तो वही कंसेप्चुअल है, पढ़ो जवाब दो, पढ़ो जवाब दो, वो वाले क्वेश्चन। समझे? चलिए जल्दी से आप लोग पेज 3 तक पढ़ लीजिए और कोई डाउट है पूछ लीजिए।